प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालाघाट दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चुनाव अभियान में उनकी उपस्थिति प्रदेश को एक नई प्रकार की ऊर्जा देगी। आज के दिन हमारा सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत संबल ऊर्जा देगी, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी मैं प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा, और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। डीडी न्यूज से बात करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में। प्रहलाद जी, हम जहां देख रहा हूं 400 पार के पोस्टर लगे हुए हैं, इतना आश्वस्त कैसे बीजेपी? मुझे लगता है कि संकल्प बड़ी चीज होती है। 2014 में हमने कहा था कि 272 प्लस हम 282 आए, 2019 में हमने कहा 300 प्लस हम 303 आए, इस बार का लक्ष्य है 370 प्लस बीजेपी, 400 पार एनडीए। ये हमारा संकल्प है और मुझे लगता है कि हमने दो बार वो संकल्प पूरा किया है, इस बार भी ये संकल्प पूरा होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये अहंकार भी नहीं है, ये आत्मविश्वास है। और जो काम किया है, हमारा नेतृत्व इतना प्रखर है जैसे देश में क्या दुनिया में मान्यता मिलती है। भारत माता का यश बढ़ाने वाला कोई नेता अगर है तो वो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी भी आदिवासी इलाकों में पहुंच रहे हैं, शहडोल पहुंचे हैं और अलग अन्य जगहों पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जनजातीय वर्ग को साधने की पूरा फोर्स, पहला राष्ट्रपति आदिवासी बना है मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, फिर जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में कांग्रेस का योगदान कहाँ है सिवाय आश्वासन और बांटने के। इसलिए हमने जातियां जो प्रधानमंत्री ने कही हैं कि आज की तारीख में गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, जरा उस पर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। 29 में से कितनी? 29 में से 29 का दावा प्रहलाद पटेल जी कर रहे हैं इस बार, और उनका यही मानना है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के इन रैलियों के जरिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर हर वर्ग के होगा, पार्टी अपनी बात पहुंचाने में सफल होती हुई दिखाई। कैमरन गौरव के साथ आतिश श्रीवास्तव, डीडी न्यूज बालाघाट। वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री